अब सवाल ये उठता है कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या लेना देना है। हाउ आर केमिकल चेंजेस रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो मैंने सबसे पहले पूछा था कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस का क्या लेना देना है। केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस आर डायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन इज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कारण ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या हैं? All the substances that undergo the chemical change in a chemical reaction are known as reactants. For example, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों केमिकल चेंज का पार्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके वाटर बन रहे हैं, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन का एंड रिजल्ट जो है वो वाटर है। देन वाटर इज अ प्रोडक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ कैन वी गेट टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? Identification of chemical reaction. When a chemical reaction takes place, it may show the following changes: change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature and formation of precipitate. सबसे पहले बात करते हैं change in state की. It refers to the process of conversion of one state of matter to another state of matter whenever a chemical reaction takes place. मतलब जब भी कभी chemical reaction होगा तो substance अपने आप को एक state of matter से दूसरे state of matter में convert कर लेंगे, बदल लेंगे। Substances may change themselves from solid to liquid or gas, gas to liquid or solid and liquid to gas or solid depending on the situation. For example, ammonia reacts with hydrogen chloride to form ammonium chloride. Ammonia, जिसे हम NH3 के नाम से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे HCl से डिनोट किया जाता है, ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि अमोनिया भी एक लिक्विड स्टेट है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक लिक्विड स्टेट है, बट ये दोनों मिलके अमोनियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहे हैं जो कि एक सॉलिड है। अब बात करते हैं चेंज इन कलर की। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड प्रोडक्ट इज ऑफ डिफरेंट कलर बिकॉज आफ्टर अंडरगोइंग केमिकल चेंज द रिएक्टेंट्स चेंज इट्स कलर। रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स का कलर बिल्कुल अलग होता है और प्रोडक्ट का कलर बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट केमिकल चेंज के कारण अपना कलर चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद आयरन इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज रिलीज्ड। अब कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू होता है कलर में, जब उसे आयरन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब उसके अंदर आयरन ग्रेन्यूल्स को ऐड किया जाता है तो उसका जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। दैट मीन्स आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है एंड कॉपर गेट्स रिलीज्ड। Evolution of gas. Some chemical substances evolve gas when they react with each other. For example, dilute sulfuric acid reacts with zinc to form zinc sulfate and releases hydrogen gas. कुछ substances जब react करते हैं तो एक gas evolve होती है. इसका example है जब dilute sulfuric acid zinc के साथ react करता है तो वो zinc sulfate बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर बबल्स इवॉल्व होते हैं एंड इवोल्यूशन ऑफ बबल्स इंडिकेट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. चलिए अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की. चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के अंदर बदलाव आना. अब ये चेंज मोस्टली दो तरीके का ही हो सकता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर. या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है. अब हमें कैसे पता चलता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है? जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो जो बीकर है वो हीट हो जाता है, जो इंडिकेशन है रिलीज ऑफ हीट की बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की. सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी दो एक्वस सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म होता है जिसे कि प्रेसिपिटेट बोला जाता है. व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशंस, अब एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? दो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि कंप्लीटली लिक्विड से बने हों, उन्हें जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और इस तरीके के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. अब ये होता कैसे है? व्हेन कैटायंस ऑफ वन रिएक्टेंट एंड एनायंस ऑफ सेकंड रिएक्टेंट कंबाइन इन अ सॉल्यूशन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं? हमने क्लास 9th में पढ़ा था आयंस के बारे में. आयंस मतलब एटम्स के अंदर जब चार्ज इंक्लूड कर दिया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे आयन बोला जाता है. पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को कैटायन बोलते हैं एंड नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को एनायन बोलते हैं. जब पॉजिटिव चार्ज एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट से मिल जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरे रिएक्टेंट का पहले रिएक्टेंट से मिल जाता है तब ये प्रेसिपिटेट बनता है. फॉर एग्जाम्पल AX प्लस BY विल गिव BX plus AY, where A, B, X and Y are ions. It is also known as double displacement reaction.